गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अभी जो किडनी उसने पढ़ाया है, एजुकेशन का तो सत्यानाश कर दिया। मिल जाए ना तो जूता निकाल के मारेंगे उसको। पहचानता है वो, पूरा आलम बायोलॉजी क्लासेस का मेरा तो सत्यानाश कर रखा है उसने। क्या पढ़ा, यकीन नहीं? देखो क्या पढ़ा रहा किडनी के बारे में, देखो। बच्चा लोग ठीक हो? बोर्ड के एग्जाम में 98.99% लाए। कैसे लाए हैं? हम पढ़ाए, कोई है माइकल है बायोलॉजी में हाथ पकड़ ले। इतना बढ़िया पढ़ाए हैं कि टॉप लाया है 98.9%। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। एक्सक्यूज मी सर, उसको ही पूछने दीजिए। हाँ पूछिए, मीडिया का आदमी का थोड़ी है, पूछिए। और बताओ मास्टर जी कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया मास्टर जी। अरे जीता रहे। तो बोर्ड के एग्जाम में तो मास्टर साहब ने किडनी के बारे में भी पढ़ाया होगा? पढ़ाया। तो क्या बताया था किडनी के बारे में? सिडनी एक बहुत अच्छा शहर है जहाँ हम लोग वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं। पूल पार्टी होता है, आज दिन है, पानी पानी होता है, सब यही होता है, यही पढ़ता है, यही पढ़ाया जाता है। क्या बोली सी? क्या बोली सी? सिडनी के बारे में बोल रहा है, हम पूछ रहे किडनी के बारे में। चलिए आप ही बताइए किडनी क्या होता है। क्या बोले रहे तू किडनी के बारे में? सिडनी में क्या बोल रही है? फुल पार्टी कैसे है? यही पढ़ रहा है तू, यही पढ़ रहा है। नाम कटवा दे, कैसे जा रहे तू 98.99% रे? छोड़िए बात साहब वो सब, अब आप बताइए किडनी के बारे में। तेरी वजह का नहीं पूछा जा रहा हमसे रे, मेरे पे उंगली उठ रहा है। किडनी कहाँ? हटवा के पास होता है किडनी? नहीं नहीं, किड छोटा बच्चा जो 10 साल से नीचे है उसको किड कहते हैं, और उसका जो नी है नी, दैट इज किडनी। देख लिया, देखा ना, सुना ना कि क्या उसने पढ़ाया? किडनी भैया, सिडनी अलग चीज है, किडनी अलग चीज है। किडनी को सिडनी से मिला दिया है भाई, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। जाहिल आदमी है भाई, और एकदम कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ अंगूठा छाप आदमी है, कुछ पढ़ा रहा है, मतलब कि मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे बदनाम करने के पीछे पड़ गया है, मेरे कोचिंग को डुबाने के चक्कर में पड़ गया। पर एक चीज वो जान ले, एजुकेशन कभी डूबता नहीं है मेरे भाई, नॉलेज कभी डूबता नहीं है। नॉलेज को किसी से छीन नहीं सकते हो, जिसकी है वो उसी की होकर रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा नॉलेज लीजिए, एडुकेटेड बनिए, खूब पढ़िए बच्चों आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ किडनी के बारे में। किडनी बेसिकली अगर देखा जाए तो किडनी का क्या काम है बॉडी के अंदर? फिल्ट्रेशन का काम है। फिल्ट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने एक फिल्ट्रेशन सेट कर रखा है जिसका नाम है किडनी। ये किडनी कितने होते हैं? पेयर्स में होते हैं। पेयर्स मतलब दो किडनी है हर ह्यूमन बींग के अंदर में। ये कहाँ पे होता है? तो एब्डोमिनल पोर्शन में होता है। एब्डोमिनल पोर्शन किसको कहते हैं? डायफ्रेगम के नीचे का जो पोर्शन है, डैट इज एब्डोमिनल पोर्शन। जो पेट का पोर्शन है वो कहलाता है एब्डोमिनल पोर्शन। और पेट के पोर्शन में भी कहाँ पे है? तो भाई वो पीछे है, डॉर्सल एब्डोमिनल में। यहाँ पे दोनों जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के दोनों तरफ है, जिसको डॉर्सल एब्डोमिनल पोर्शन कहते हैं। क्लियर है? एब्डोमिनल किसको कहते हैं? तो वे जो नीचे है, यहाँ पे ऊपर का चेस्ट के पोर्शन के जो नीचे का पोर्शन होता है उसको कहते हैं एब्डोमिनल। मतलब डायफ्रेगम के नीचे का जो पोर्शन है, डेट इज एब्डोमिनल पोर्शन। एब्डोमिनल में भी कहाँ पे है? डॉर्सल, मतलब पीछे लोकेटेड है, दोनों वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ। ये कौन है? तो ये किडनी भाई साहब है, राइट? दो है, कहाँ है? तो डॉर्सल एब्डोमिनल में पीछे है। इनका क्या काम है? फिल्ट्रेशन। तो किसका फिल्ट्रेशन करेंगे? जो हम लोग डाइट ले रहे हैं, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाने में बहुत सारी चीज़ें भी तो अंदर जाती हैं, माइक्रोब्स जा रहे हैं, यूरिया जा रहा है, इतने से इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हैं जो छिड़काव हो रहे हैं खाने पे, वो भी हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो हमारे बॉडी में तो एक साइकिल है ना कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड में तोड़कर एनर्जी बनाना। जो एनर्जी बना वो तो पूरे बॉडी में ग्लूकोज की तरह जाकर सेल में बैठ गया, और ऑक्सीजन जब हमने रेस्पिरेशन मिला तो उसी ग्लूकोज से ऑक्सीजन जब टकराया तो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी पूरे बॉडी में बना, क्योंकि ATP के फॉर्म में पूरे बॉडी ने सेल ने यूज़ कर लिया। जो वेस्ट बचा भाई, तो वो कहाँ गया? जो वेस्ट बचा वो ब्लड के थ्रू किडनी में दाखिल हुआ, दोनों किडनी जो कि डॉर्सल साइड में है, दोनों किडनी में। तो ये ब्लड कहाँ से आया? हार्ट से एक आर्टरी आती है जिसको ऑटा आर्टरी कहते हैं। ये ऑटा आर्टरी ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लेकर कहाँ घुसा?
किडनी में घुसा, जब ब्लड किडनी में गई तो ब्लड के साथ इम्प्योरिटीज़ भी किडनी के अंदर गई, जब ब्लड के साथ इम्प्योरिटीज़ किडनी में गई तो भैया कहता है किडनी, आओ ठाकुर आओ, मेरा काम है फिल्ट्रेशन का, मेरा काम है छानने का, मेरा काम है शुद्धिकरण का। तो ये शुद्धिकरण का काम कौन करेगा? किडनी करेगा। किससे शुद्धिकरण? जो खाने में पेस्टिसाइड्स आए थे। किससे शुद्धिकरण? जो खाने में इंसेक्टिसाइड्स आए थे। किससे शुद्धिकरण? नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट जो खाने में आए थे। किससे शुद्धिकरण? सॉल्ट जो यूरिया आया था। किससे शुद्धिकरण? नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट्स का शुद्धिकरण। तो ये कौन करेगा? किडनी। तो किडनी में भैया आर्टर से ब्लड आया, जो हार्ट ने भेजा था वो किडनी में दाखिल हुआ। किडनी ने क्या किया? जो भी इम्प्योरिटीज था अपने पास रोक लिया, और जो प्योर था उसको फिर उसने क्या किया? आगे भेज दिया, राइट, बॉडी में। और जो इम्प्योरिटीज था किडनी, किडनी जो बना हुआ है, किडनी का जो स्ट्रक्चर है, तो आप देखोगे तो किडनी बीन शेप लाइक होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। और किडनी के अंदर में बहुत सारे मिलियन ऑफ मिलियंस, उसको आप किडनी का यूनिट भी कह सकते हैं, वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन आप कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ मिलियंस नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी का फॉर्मेशन करता है। तो आप यूनिट ऑफ किडनी, अगर कोई सवाल पूछेगा यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो नेफ्रॉन बोल सकते हैं। तो बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी का बनाते हैं, मतलब किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संरचना है, नेफ्रॉन का जाल बना हुआ है, जहाँ पे अंदर में जाके उस ब्लड का, जो कि डर्टी ब्लड था, इम्प्योरिटीज ब्लड था, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज लेकर आया था, उसका छलनीकरण होता है, उसका शुद्धिकरण होता है। और इसमें किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर वुमेन कैप्सूल पाया जाता है, जो कि इसका फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्लियर? छलनी लगी होती है जिसको वुमेन कैप्सूल कहते हैं। जब वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट उसमें जाता है, जब वो खाने से में मौजूद सारे वेस्ट उसमें जाता है, तो वो छलनी छान लेता है, छान कर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा यूरिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना बचा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना यूरिक एसिड, इसको आपको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक देता है। तो किडनी मेरे कितने हैं? दो। किडनी में क्या है? एक पतली नली लगी होती है जिसको यूरेटर कहते हैं। यह पतली नली जो किडनी से लगी हुई होती है, यह आकर अटैच कहाँ होती है? तो यूरिनरी ब्लाडर से होती है अटैच, और यूरिनरी ब्लाडर से एक पाइप बाहर की तरफ निकलता है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। तो याद है, किडनी से एक पतली नली लगी है जिसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर पेयर्स में होते हैं, एक राइट किडनी से लगा हुआ है, एक राइट लेफ्ट किडनी से लगा हुआ है। ये दोनों यूरेटर जाकर कहाँ फ्यूज कर जाते हैं? तो ये आपको यूरिनरी ब्लाडर में, यूरिनरी ब्लाडर से एक पाइप बाहर निकलता है जिसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन भाई साहब के हेल्प से। जब वो फिल्ट्रेशन हो जाता है, जो गंदगी, जो वेस्ट, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट यूरिया यूरिक एसिड था, वो जब यूरेटर के थ्रू दोनों पतली पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लाडर में आता है, फिर यूरिनरी ब्लाडर से वो क्या हट जाता है? यूरेथ्रा के माध्यम से हमारे पेनिस के थ्रू वो बाहर यूरिन की शक्ल में बाहर निकल जाता है। तो ये सारी प्रोसेस किडनी भाई साहब करती है, ये सारे प्रोसेस फिल्ट्रेशन का किडनी के अंदर होता है। ये सारा फंक्शन हमारा किडनी, और किडनी का सिर्फ फंक्शन फिल्ट्रेशन का नहीं है, किडनी का बहुत सारे चीज़ों में फंक्शन होता है। जो बॉडी में वेस्ट, बॉडी से सोडियम तो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा, बॉडी से जिंक तो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल किडनी भाई साहब करता है। तो समझ में आया? उस घटिया टीचर के चक्कर में मत रहोगे जो फालतू उल्तू बताता है, किडनी से सिडनी पहुंच जाएगा, पुल पार्टी शुरू कर देगा। ध्यान से पढ़िए, नॉलेज लीजिए, कामयाबी की तरफ बढ़िए, और अच्छे से अच्छा मार्क्स उठाइए। थैंक यू सो मच।